मथुरा में कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने तिरंगा फहराया और इस मौके पर उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। रविवार को समूचा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है, हर ओर आजादी के तराने बज रहे हैं। इसी क्रम में मथुरा में जिला मुख्यालय पर भी ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। ठीक 8 बजे जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने अपने कार्यालय के बाहर तिरंगा फहराया और फिर सभी ने बड़े ही आदर के साथ राष्ट्रगान गाया। इस मौके पर पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर तिरंगे को सलामी भी दी। ध्वजारोहण के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गोष्ठी आयोजित हुई। इसमें उपस्थित सभी अधिकारियों ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और उनके देश की सेवा का संकल्प लेकर एक दूसरे को बधाई भी दी। वहीं जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सभी को शुभकामनाएं दी। सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनके द्वारा असंख्य बलिदान दिए गए और आज हम इस स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं, इसका अनुभव कर पा रहे हैं हम भी और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी, आज हम सर्वप्रथम उन सभी को नमन करते हैं जिनके द्वारा दिए गए असंख्य बलिदानों को हम याद करते हैं। महात्मा गांधी जी हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, भगत सिंह हों, लाल लाजपत राय हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, ऐसे असंख्य जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्होंने बहुत बलिदान दिए जिसके कारण आज हम दशकों की जो हमारी एक पराधीनता थी उससे हम छूटकर और आज अपना देश अपने हिसाब से अपने तरीके से चला पा रहे हैं और जो फ्रीडम है उसका अनुभव कर पा रहे हैं। आज हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में काफी अच्छा कर रहा है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, काफी उन्नति हुई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है, परमाणु क्षमता से हमारा देश संपन्न हुआ है और साथ ही साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हमने काफी अच्छा किया है। चंद्रयान 2 जो है वो उसका प्रमाण है और हाल ही में हुए ओलंपिक्स में भी हमारे देश ने आज तक का जो सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन है वो किया है और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, विश्व के लिए एक निश्चय ही एक उन्नति का प्रतीक माना जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है यदि हम सब लोग मिलकर राष्ट्र निर्माण की ओर कार्यरत रहेंगे। तो आइए आज के दिन हम कोशिश करें कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा था उस भारत की ओर हम अग्रसर रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे और अपने देश को विकासशील से विकसित देश की जो एक परिकल्पना हमने की थी उसको बनाने में हम सफल होंगे। अनेकता में एकता हमारे देश के लिए एक बहुत ही प्रचलित एक कहावत है कि चार कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी, यानी कि विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न बोली जाति के लोग एक साथ भाईचारे के साथ और बड़े ही प्यार से रहते हैं और यही कारण है कि पिछले 75 सालों में, आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई विघटन या कोई परेशानी हमारे देश में नहीं आई और सभी लोगों ने एक साथ जुट कर मिलकर इस देश को आगे चलाने का एक प्रयास किया है। आइए उसी प्रयास को हम आगे बढ़ाएं, आपस में प्रेम भाईचारे और सौहार्द को बढ़ाए रखें और अपने देश को एक उन्नति के पथ पर लेकर चलें। आज के दिन पुनः उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिनके बलिदान के कारण हम सभी लोग आज यहाँ पर हैं, हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो स्वाधीनता की सांस ले रही है,